उनके बाद आए। ये कहानी सब जानते हैं। और एक हफ्ते के बाद जब उन्होंने उस बच्चे से कहा था और समझाया था कि आप मीठा ना खाएं, तो वो महिला ने कहा था ये बात तो आप पिछले हफ्ते भी कह सकते थे। गांधी जी ने कहा पिछले हफ्ते मैं भी मीठा ज्यादा खाता था, इसलिए पहले मैंने मीठा खुद छोड़ा, तब जाके उस इंटेग्रिटी है। उसे महिला को नहीं मालूम था कि वो खा रहे हैं नहीं खा रहे, और वो नहीं भी बताते तो वो बच्चे को तो फिर भी एडवाइस कर सकते, लेकिन ये इंटेग्रिटी है। मैं अपने साथ ही सच बोल रहा हूं, मुझे दूसरे को नहीं बोलना मैं सच बोल। इसी तरह से जो व्यक्ति मुझे मिला, एक बड़ी अच्छी लड़की, हमें ऑफिस में स्टेशनरी छोटे छोटे पेन रबर, और बहुत लोग क्या करते हैं उठा उसे घर लेके जाते हैं, बच्चों में बांट देते हैं। दिस इज नॉट राइट। जिस चीज का पर्पज सरकार ने ऑफिस में इंस्टीट्यूशन में किसी उद्देश्य के लिए किया है, उसी उद्देश्य में वो काम आनी चाहिए। तो इंटेग्रिटी आपके जीवन का एक चढ़ाव भी देगा, उतार भी देगा। आज हमारे सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स रोज टीवी पे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से अंत में यही कहूंगा कि अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन और पैशन और नेटवर्किंग और जो हार्डवर्क आपको कंपनीज में जाके करना है, उसे लगातार अपने टीचर्स के साथ मिलकर करते रहें। और एथिक्स और इंटेग्रिटी यानी ऑनेस्टी सच्चाई, इसको अपने जीवन का एक अंग मान के चलें। आपको जीवन में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस संस्थान ने जिस प्रकार का मॉडल तैयार किया है, इसमें कमियां भी हैं, अभी ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट तैयार हो गया है। हमारे को रोज इस मॉडल के ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, हमने जब शुरू किया था, उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया जामिया मिलिया इस्लामिया, मैं तो जब सुन रहा था तो मुझे ध्यान आ रहा था हमने कैसे शुरू किया था। हमारे पास तो दो कमरे भी नहीं थे जब ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार आया था तो मुझे दो चिट्ठियां पकड़ाई गई थी, एक में लिखा था आपकी अपॉइंटमेंट एज वाइस चांसलर, और एक में लिखा था ये 82 एकड़ की जमीन जाइए बनाइए। तो कहां जाए भाई, जाने को जगह नहीं। तो पहले 3 महीने तो हमने रोड में खड़े होके यूनिवर्सिटी की कल्पना की, और तब जाके कोई पूछता था, मैं कई बार बोलता हूं आज यूनिवर्सिटी भी उस शब्द का कई बार प्रयोग करती है, हमें कोई पूछता था कि आपका ऑफिस कहां है, कोई सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो हम बोलते थे हम UNT में, हमारा ऑफिस UNT में। तो फिर कोई पूछता था अच्छा जी UNT बताइए हम आपसे मिलने आना चाहते हैं, कहते थे अंडर द मैंगो ट्री। तो हमारी जब डॉक्टर साहब कह रहे थे जामिया मिलिया इस्लामिया का, तो मुझे ध्यान आया हम तो उनसे, तो मुझे खुशी है कि हम उनसे एक कदम पीछे। तो उनके पास 2 कमरे थे, मुझे बड़ी खुशी है हमारे पास वो 2 कमरे भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद पूरी है हम जामिया मिलिया के लेवल तक पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि हमारे पास 2 कमरे भी नहीं। परंतु आप 60 बच्चों से 2017 में यूनिवर्सिटी शुरू हुई, आज 1000 बच्चे यहाँ पे हैं। इस प्रगति को देख के, यहाँ की टीम का उत्साह देख के, उनकी हार्डवर्क देख के, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है जो हमने तय किया है कि 10 वर्ष में ये भारत की ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी में बनेगी, यानी स्किल्स का IIT अगले 10 वर्ष में इंस्टीट्यूशन बनेगा। जब भी आप आगे कभी इस यूनिवर्सिटी की डिग्री किसी को दिखाएंगे, आपको गौरवान्वित और गर्वान्वित महसूस होगा। धन्यवाद।